हाँ फ्रेंड्स मजुमदार फर्म से आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सौ मुर्गी के ऊपर कितना ख़र्चा आता है और कितना फ़ायदा होता है सौ मुर्गी पालने पे तो हम पहले एक डैशबोर्ड देख लेते जहाँ पे हमने सौ मुर्गी का रेट और फीड कॉस्ट ये सब बता हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अगर बच्चा फिलहाल 25 से अपना 20 से 25 रुपए के अंदर जा रहे हैं तो हमने 24 रुपए पकड़ लिए एक बच्चे का कीमत 24 रुपए हमने पकड़ लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 बच्चे यानी चौबीस सौ रुपये आपका पड़ रहे सौ बच्चे में तो सौ बच्चे जो एक बच्चे है वो आपका फीड कंज्यूम करेगा दो के यानी सौ बच्चे आपका दो सौ के जी कंज्यूम करेगा यानी ये जो फीड है इसका रेट फिलहाल चल रहे पैंतीस छत्तीस रुपये तो हमने क्या पकड़ा चौंतीस रुपये इसका एवरेज कॉस्ट पकड़ लिए एक के जी का तो दो सौ के जी को हम चौंतीस से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ गए छः हज़ार आठ सौ रुपये तो यहाँ पे मेडिसिन हम पकड़ लेंगे ठीक है मेडिसिन हम पकड़ लेंगे पाँच रुपये करके तो हंड्रेड पीस यहाँ पर पाँच रुपये करके आए तो पाँच सौ रुपये और अदर्स खर्चा जो है उसको हम पाँच सौ पकड़ लेंगे कि अदर्स ख़र्चा मतलब आपका जो भी ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक बिल है या लेबर है ये सब आ, सौ में तो हम पूरा लेबर नहीं पकड़ सकते क्योंकि सौ में उतना लेबर का तो कॉस्ट आएगा नहीं तो हमने क्या किया सौ में हमने पाँच सौ रुपये ही पकड़ा अदर्स कॉस्ट तो कुल मिला के आपका आ जाता है दस हज़ार दो सौ रुपये बच्चा खरीदना मेडिसिन जो दाना लगता है वो और जो भी खर्चा आ रहा है सब मिला के आपका खर्चा आएगा बड़ा करने में दो महीने तक इसका खर्चा आएगा दस हज़ार दो सौ रुपये तो हमारा एक मुर्गी के ऊपर खर्चा आ रहा है एक सौ दो रुपये दस दो सौ भाग कर दिया एक सौ से तो एक सौ दो रुपये आपका आ रहा है तो हम अभी देख लेंगे कितना फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग कभी भी ध्यान रखना कि एक मुर्गी दो के जी फीट खा के सात सौ से आठ सौ ग्राम वजन लेता है जो देसी मुर्गी रहता है सात सौ से आठ सौ ग्राम वजन लेता है तो हम क्या करेंगे जो सौ मुर्गी है सौ में तो सौ नहीं बचेगा उसमें से हम पाँच माइनस कर देंगे क्योंकि पाँच मर सकता है कभी भी मर सकता है तो यहाँ पे आएगा नाइन्टी फाइव यानी पंचानवे मुर्गी तो एक का अगर आ, अपना एवरेज हम पकड़ लेते हैं सात सौ पचास ग्राम क्योंकि सात सौ से आठ सौ आ रहे हैं तो सात सौ पचास ग्राम हम पकड़ लेंगे तो आपका आएगा इकहत्तर पॉइंट टू फाइव के जी यानी इकहत्तर के जी दो सौ पचास ग्राम मुर्गी आएगा देख लेंगे तो अभी हम देख लेंगे कि मुर्गी कितने में बेचे तो कितना फ़ायदा है कब क्या मार्केट रेट जा रहा है उसके ऊपर से दो सौ अगर रेट गए फिलहाल की रेट दो सौ है या 200 से ऊपर है मगर हर वक्त साल में ऐसा नहीं जाता है तो दो सौ रेट गए तो इकहत्तर के जी दो ग्राम हमारा आ रहा है चौदह हज़ार काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इतना फ़ायदा तो नहीं होता है कभी कभी चौदह हज़ार दो सौ पचास यानी आपका कम से कम चार हज़ार रुपये सौ मुर्गी में रह रहे अगर यही अगर आपका एक सौ अस्सी में हो जाए तो आपका आएगा बारह हज़ार दो सौ पचास रुपये यानी दो हज़ार रुपये फ़ायदा रहता है वो अगर एक सौ साठ में लग जाए तो ग्यारह हज़ार चार सौ रुपये यानी चौदह ये बारह सौ रुपये जैसा फ़ायदा रहता है अगर यही दो सौ बीस रुपये हो गए तो पंद्रह हज़ार छः सौ पचहत्तर रुपये ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इस हिसाब से अगर आपने ज़्यादा पाला तो इसका भी एक हम रेसू दे देते हैं आपको आप देख लीजिए हम सौ के जगह अगर पाँच सौ पाला तो कितना फ़ायदा आप हमारा होगा आप देख लीजिए सौ में अगर हमारा खर्चा आ रहा है दस हज़ार दो सौ रुपये और उसमें से चौदह हज़ार दो सौ पचास रुपये फ़ायदा है तो चार हज़ार पचास रुपये हमारा रहता है पाँच सौ में हम क्या करेंगे इकहत्तर पॉइंट टू फाइव इंटू पाँच हो जाएगा तीन सौ छप्पन पॉइंट पच्चीस के जी आपका आएगा पाँच सौ में सब खर्चा छोड़ छाड़ के आप देखिए जो इसका बीस 20 दो सौ रुपये पकड़ लिया तो इसका आएगा आपका इकहत्तर हज़ार दो सौ पचास रुपये तो इसको हम जो खर्चा है उसको छोड़ देंगे तो खर्चा आपका हो जाएगा इक्यावन हज़ार मतलब ये अगर हमने इकहत्तर हज़ार से छोड़ा तो आपका आएगा बीस हज़ार दो सौ पचास रुपये देख लीजिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है अगर आपने पाँच सौ किया तो महीने में दो महीने आपका आएगा कितना आ जाएगा बीस हज़ार दो सौ पचास रुपये और यही अमाउंट अगर आपने हज़ार किया तो डबल हो जाएगा आप सोच लीजिए बीस बीस, बीस चालीस हज़ार रुपये ऐसा होगा मगर दाम दो सौ रुपये रहा तो और और आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे दाम कम भी लिखा हुआ है ज़्यादा भी लिखा हुआ है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना जो हिसाब है इसको लगा सकते हैं इस हिसाब से आपने हिसाब लगा के आपको समझ में आ जाएगा कि 200 में 500 में हज़ार में या कितना कम ज़्यादा हुआ दाम तो भी कितना फ़ायदा आपका हो रहा है तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करके कर रखें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद